So this is our video number 3. So this video is about importance of meditation. So meditation एक ऐसी चीज है जो कि हमें particular time पर करनी नहीं है, लेकिन हमें हमेशा अंदर से एक ऐसी state of mind में रहना है जो कि हमेशा हमें meditation वाली feeling दे. सो अपने कैंसर हीलिंग जर्नी में, अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दिन में कुछ टाइम अपने आप को दें, अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए थोड़ी देर शांति में बैठें. तो मेडिटेशन करने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिगनर टाइम पर, या फिर दिन में किसी भी टाइम पर आप अपने आप को एक हीलिंग इन्वायरमेंट दें. तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप दिन में एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें, चाहे तो आप अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद या 10 मिनट 15 मिनट तब निकालें अपने, या किसी भी टाइम पर शांति में बैठें और अपने साथ सेल्फ टॉक करें, खुद के साथ बात करें कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे हाथ में है, मुझे मेंटली अच्छा रहना है, मुझे अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना अपनी फिजिकल हेल्थ का. और बैठकर आंखें बंद करें, आंखें खोलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आते जाते थॉट्स को देखें एंड सिर्फ अपने आप को शांति का टाइम दें, पीस दें, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करें. या तो आप बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स देख सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आप यूट्यूब पर, गूगल पर, या कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है. बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन है, जैसे कि आप एफर्मेशन सुन सकते हैं, आप गाइडेड विजनरी मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आपको बोल कर वो विजन्स दिखाए जाते हैं, जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं अच्छी अच्छी जगह पर, अपने आप को शांति दे सकते हैं. या फिर इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ho'oponopono मेडिटेशन है जिसमें फॉरगिवनेस है जो कि हम डिवाइन से मांगते हैं, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं. या फिर अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं. एनी रिलीजन यू फॉलो, एनी स्पिरिचुअल थिंग यू लाइक, लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग कि आपको अपने आप को टाइम देना है. मेडिकेशन फॉर सोल. सो मेडिटेशन का मतलब है मेडिकेशन फॉर सोल. जैसे कि हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान जितनी भी मेडिसिंस खा रहे हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए है, लेकिन जो मेडिकेशन हमारी सोल को, हमारी आत्मा को, हमारी इनर एनर्जी को चाहिए, दैट विल ओनली कम जब हम शांति में खुद को जानेंगे, खुद के साथ वक्त बिताएंगे. सो अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा कोशिश करें कि आप कुछ अच्छा अच्छा सुनते रहें, चाहे आप अपनी YouTube से, अपने फ़ोन से, अपने गूगल से जितनी मर्जी अच्छी नॉलेज गेन करें, इस टाइम को यूज़ करें खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करवाने के लिए, स्पिरिचुअली खुद को एनलाइटन करने के लिए. आप कोई भी चैंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई मंत्र यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, चाहे आप ओम का उच्चारण करें, चाहे आप नम म्योहो रेंगी क्यों जो कि बुद्धिज्म का मंत्र है उसका उच्चारण करें, जिस भी चीज़ पर आपको भरोसा है, आप किसी एक पर्टिकुलर मेडिटेशन को पकड़ें और उसको अपनी डेली लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ, अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ करते रहें. तो मेडिटेशन को आपको उतनी ही इम्पॉर्टेंस देनी है अपनी डेली रूटीन में जितना आप बाकी कामों को देते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगी तो आप फिजिकली बहुत जल्दी से हील करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 4 हेल्थ हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ. तो हर एक हेल्थ को मैनेज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आर स्पिरिचुअल हेल्थ. अगर हम स्पिरिचुअली बहुत अच्छे रहेंगे, हमें पता होगा कि हमारे ही अंदर हमारी हीलिंग पावर्स हैं, अपने ट्रीटमेंट के दौरान हम इस चीज़ के साथ बिल्कुल जानते रहेंगे कि मेरे पास भी उतनी ही हीलिंग पावर है, मुझे भी अपनी खुद की हीलिंग विल पावर को यूज़ करना है, अपनी हीलिंग पावर्स को जगाना है इस ट्रीटमेंट के दौरान, फिजिकली भी उतना फिट रखना है, स्पिरिचुअली भी अपने आप को उतना फिट रखना है. तो ये चीज़ आपको डबल बेनिफिट देगी. तो हमेशा अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है अपने ट्रीटमेंट के दौरान. ऑलवेज गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इवन सोशल हेल्थ, कि आप पॉजिटिविटी रेडिएट करते रहें अपने ट्रीटमेंट के दौरान, एक हीलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने आसपास. चाहे आप अपने रूम में एक अच्छा एफर्मेशंस लगा कर रखें कि आई एम कैंसर फ्री, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस कैंसर, आई एम एवर हेल्दी सोल, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर. सो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम में लिख कर लगाएं अपने आसपास,
और इन चीज़ों पर फोकस करें ताकि आपके घर में, आपके रूम में, आपके आसपास कुछ पॉजिटिविटी बनी रहे और जब भी आप जिधर भी देखें आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और अपने स्पिरिचुअल हीलर, अपने स्पिरिचुअल डॉक्टर खुद बने अपने ट्रीटमेंट के दौरान। सो जब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप मेडिटेशन करते के टाइम कोई भी आसन ना यूज़ करें, कहीं पर बैठना नहीं इम्पॉर्टेंट है, जस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बस आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे आप लेट कर कोई म्यूज़िक लगाएं, जो भी आपको सुनना पसंद है, कोई स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एनी म्यूज़िक यू लाइक, और उसको सिर्फ शांति से लेट कर सुनें। जब भी आपको एंग्शियस फील हो उसी टाइम अपने थॉट्स को तोड़ें और कुछ अच्छा सुनें, अपने हेडफोन्स लगाएं, कुछ अच्छा सुनने बैठ जाएं, उसी टाइम अपने सारे थॉट पैटर्न्स को चेंज करें। सो हमेशा अपने ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज़ याद रखें कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे हाथ में है और मुझे ही छोटी छोटे चीज़ें करके अपनी मेंटल हेल्थ को उतना ही स्टेबल रखना है। सो जब भी हमारी लाइफ में डार्क फेज आता है, जैसे कि ये कैंसर वाला फेज है, तो इस फेज को यूज़ करें टू एनहैंस यूअर सेल्फ स्पिरिचुअली, अपने आप को अच्छा करने के लिए यूज़ करें, मेडिटेशन यूज़ करें, अच्छी अच्छी हीलिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करें, जो भी आप कर सकते हैं, और ख़ुद को बहुत पॉजिटिव रखें। जितना आप मेंटली पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आपका जो ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी पर असर करेगा, क्योंकि योर बॉडी इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली लिसनिंग योर माइंड। तो माइंड की भाषा हमेशा इतनी इजी रखनी है, इतनी पॉजिटिव रखनी है, चाहे आप किसी भी चीज़ को सुने, लेकिन उस चीज़ को सुनकर खुद को बिल्कुल काम डाउन करें, उस चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली काम करें, जो आप सुन रहे हैं उनको प्रैक्टिकली अपनी डेली दिन में यूज़ करें। सो आई होप ये कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आए, इन मेडिटेशन टिप्स को आप यूज़ करें अपने दिन में और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें अपने ट्रीटमेंट के दौरान, एंड आप बहुत जल्दी बिल्कुल हेल्दी होने वाले हैं। सो ये दिस कैंसर इज़ हेयर टू हील यू, अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाएं और इस कैंसर को एक पॉजिटिव वे में लें और अपनी लाइफ को खुद ब्राइट साइड पर लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।